हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एयरपोर्ट पे कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स कौन होते हैं एंड कस्टमर सर्विस ऑफिसर का एलोकेशन क्या होता है, जॉब रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है, बेसिकली एयरपोर्ट पे वो लोग क्या जॉब परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अगर कस्टमर सर्विस पे ज्वाइन कर रहे हो तो आप ज्वाइन करके क्या क्या एलोकेशन परफॉर्म करोगे, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखते रहना, ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा इसके बारे में। तो मैं वीडियोस बनाता हूँ एविएशन, इंटरव्यू एंड एजुकेशन रिलेटेड। आपको अगर ऐसा वीडियोस देखना पसंद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और आपको अगर कुछ भी क्वेरीज है आप इस वीडियो के कमेंट से मेरे को पूछ सकते हो या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कस्टमर सर्विस ऑफिसर कौन होता है? कस्टमर सर्विस ऑफिसर वो लोग होता है जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, जो आपका टिकट वेरीफाई करके आपको बोर्डिंग पास कमाते हैं और आपका जो बैगेज होता है, जो चेक इन लेता है, चेक इन लेके जिसमें बैगेज में आपका टैग लगा के जो बीएमए में भेज देते हैं वो लोग होते हैं कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स। तो ये आपको बेसिक सा मैं एक ओवरव्यू दिया, तो इससे आपको नॉलेज आ गया कि कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स कौन होता है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि कस्टमर सर्विस ऑफिसर का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और एलोकेशन क्या हो। सबसे पहला वाला जो एलोकेशन के बारे में बताऊंगा वो है रिजर्वेशन काउंटर। रिजर्वेशन काउंटर क्या होता है? रिजर्वेशन काउंटर पे आप जाके किसी भी डेस्टिनेशन का टिकट खरीद सकते हो एयरपोर्ट पे जाके। तो उस काउंटर को हम रिजर्वेशन काउंटर बोलते हैं। वहां से आप अपने टिकट खरीद सकते हो। तो वहां पे जो रहता है एयरलाइंस के तरफ से वो कस्टमर सर्विस से ही रहता है। उनका काम रहता है कि जिस डेस्टिनेशन का आपका टिकट चाहिए उस डेस्टिनेशन का टिकट आपको प्रोवाइड करते हैं। वो लोग भी कस्टमर सर्विस से ही होता है वो लोग। तो इसके बाद जो एलोकेशन होता है वो होता है चेक इन काउंटर। मतलब चेक इन काउंटर पे एलोकेशन क्या होता है कि चेक इन काउंटर पे आपको किसी भी फ्लाइट का बोर्डिंग पास प्रोवाइड करना होता है। मतलब कि एक पैसेंजर जब भी एयरपोर्ट पे जाता है वो अपना टिकट लेके जाते हैं, तो वो टिकट लेके अपना आईडी कार्ड लेके चेक इन काउंटर पे जाके आपको दिखाता है। अगर बोर्डिंग चालू हो गया है तो आपको उसी मतलब कि उसी पर्टिकुलर फ्लाइट का बोर्डिंग पास इशू करके उनको देना है और उनका जो भी लगेज वगैरह रहता है वो आपको लेके टैग लगा के उसमें उसको बीएमए में भेजना होता है। चेक इन काउंटर का काम यही रहता है, ठीक है। इसके बाद रहता है कि बोर्डिंग गेट पे भी एलोकेशन रहता है। तो बोर्डिंग गेट का एलोकेशन क्या रहता है? बोर्डिंग गेट पे आपको एक पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए बोर्डिंग अनाउंस करना पड़ता है। जैसे कि मान लो एक फ्लाइट जा रहा है कोलकाता से अगरतला, तो उसका एक बोर्डिंग गेट अनाउंस किया जाता है। तो उसी बोर्डिंग गेट पे जाके उसी पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए आपको पहले बोर्डिंग अनाउंस करना पड़ता है। उसके बाद बोर्डिंग जब चालू होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, जो बोर्डिंग पास आपने इशू किया पैसेंजर को उनसे वो बोर्डिंग पास लेके वो स्कैन करके सिस्टम में आपको स्कैन करके वो उनको वापस दे देना होता है। फिर वो लोग बोर्ड कर जाते हैं। उसके बाद आपको सिस्टम से चेक करना होता है कि बोर्डिंग हो जाने के बाद कि कितना पैसेंजर था, कितना पैसेंजर आया है, कितना पैसेंजर नहीं आया है। जो पैसेंजर नहीं आया है पर चेक इन किया है उन लोगों को कॉल करके भी आपको बुलाना होता है। फिर वो लोग अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो लोग अगर नहीं आएंगे तो उनका जो बैग लोड हो गया है एयरक्राफ्ट में वो आपको रैम स्टाफ को प्रोवाइड करना होता है इन्फॉर्मेशन, कौन सा पैसेंजर गेट नो शो है। तो उस हिसाब से उनका जो लगेज वगैरह है वो उतर जाता है फ्लाइट से। तो यही रहता है बोर्डिंग गेट का काम। इसके बाद क्या रहता है? इसके बाद आप बोल सकते हो कि अराइवल में भी आपका एलोकेशन होता है। अराइवल में आपका एलोकेशन क्या होता है? अराइवल में हेल्प डेस्क रहता है एक पर्टिकुलर एयरलाइंस का। तो उस हेल्प डेस्क में आपका एलोकेशन होता है। कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी किसी का बैग डैमेज हो गया है या किसी का बैग नहीं मिल रहा है, फिर किसी का कोई सामान गुम हो गया है फ्लाइट में, ये जितना भी क्वेरीज है या नेक्स्ट फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, उसका कुछ क्वेरीज है, तो वो लोग आके हेल्प डेस्क में पूछते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको रिएक्ट करके उनको वो चीज सॉल्व करना है, उनका जो भी क्वेरीज है वो आपको सॉल्व करना है उस टाइम पे। इसके बाद
बाद अराइवल में और भी एलोकेशन होता है कि जैसे मान लो कि एक फ्लाइट आ रहा है मुंबई से कोलकाता, तो मुंबई से कोलकाता जब आता है उस फ्लाइट का जो बैग रहता है वो एक पर्टिकुलर बेल्ट पे आता है, ठीक है। तो जो वो बेल्ट पे आता है वो बेल्ट पे भी एक कस्टमर सर्विस का बंदा खड़ा रहता है कि देखता है कि सबका बैग मिल गया है कि नहीं। जितना टाइम पे वो लोग बैग वगैरह आता रहता है तो उस टाइम तक वो वहां पे ही रहते हैं, देखता है कि सबका बैग सही से आ गया। अगर कुछ का बैग नहीं आया या किसी का बैग डैमेज आ गया तो वो ही पे उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करता है, ऐसा भी एलोकेशन होता है। तो मोर एंड लेस कस्टमर सर्विस पे आप अगर ज्वाइन कर रहे हो इंडिया में किसी भी एयरलाइंस पे, तो आपका एलोकेशन इतना सारा एलोकेशन रहता है। आपको अगर ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियोस देखना पसंद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और आपका अगर कुछ भी क्वेरीज है आप इस वीडियो के कॉमेंट से मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चलिए मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।